तलाकशुदा औरत का बच्चा किसके नाम से मंसूब किया जाएगा? तलाकशुदा। तलाक होगी तो बच्चा बाप की तरफ मंसूब होगा। बच्चा बाप की तरफ मंसूब होता है सिवाय हजरत मरियम। दुनिया में आदमी कुछ भी कर ले, कयामत के दिन लोगों को उनके बापों के नाम से पुकारा जाएगा। हाँ, एक औरत जैद के निकाह में, लेकिन उसने बदकारी की, लड़का किसी और से पैदा हुआ, कयामत के दिन उसको उसके बाप के नाम से बुलाया जाएगा। लोग हैरान होंगे, ये तो मेरा बेटा था, ये तो दूसरे के नाम से पुकारा जा रहा है। यहां छुपाया जा सकता, वहां नहीं छुपाया जा सकता। तो सिवाय हजरत ईसा इब्न मरियम के, कि उनका बाप नहीं है, उनको पुकारा जाएगा, चलो मरियम के बेटे ईसा आ जाओ। अच्छा, एक बात और भी, कयामत के दिन दो तरीके की पेशी होगी, एक रसूलों की पेशी और एक आम इंसानों की पेशी। एक और रसूलों में के एक साथ लोगों की पेशी और अलग अलग रसूलों की पेशी। ऐसे ही गरोहों की पेशी, फिर एक एक आदमी की पेशी। बहुत ही मरहला टाइट है वहां का, बहुत ही टाइट मरहला है वहां का। तो तलाकशुदा औरत का बच्चा उसके बाप के नाम, तलाकशुदा क्या, कोई भी बच्चा हो अपने बाप के नाम मंसूब किया जाएगा।